साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे, तो मैं बता दूं भाई पूरी ए टू जेड जानकारी दे दूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। पहले तो बात कर रहे हैं कोरोना अपडेट के बारे में। तो आपको पता ही साथियों 6,500 प्लस अभी तक मलेशिया में पॉजिटिव हो गए हैं, उनमें से डेथ 108 डेथ हो चुकी हैं, जिनमें से रिकवर की बात करें तो लगभग 5,000 बंदों को रिकवर कर लिया गया है। और अभी गवर्नमेंट ने घोषणा की है कि भाई वहाँ पे चाहे आप विजिटर हो चाहे आप वर्कर हो, सबको टेस्ट लाजमी कराना पड़ेगा कोरोना का। अगर नहीं कराओ तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो जितने भी बंदे वहां पे हैं सबको लीगल इलीगल सबको गवर्नमेंट ने बोला है टेस्ट कराओ, लेकिन ये तो असंभव सी बात लग रही है भाई। और मलेशिया ये एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जिसने दबाव दिया है कि सब टेस्ट कराओ, बाकी कोई भी वर्ल्ड में कंट्री नहीं है जिन्होंने प्रेशर दे दिया कि कानूनी बना दिया कि आप टेस्ट कराना पड़ेगा। भाई मलेशिया तो हर बार वीडियो में बोलता हूं अलग ही है, उसके तो नियम कानून कायदे या तो उत्तरी कोरिया के हैं या फिर मुझे मलेशिया के लगता है। यहां पे दो बातें निकल के आ रही हैं साथियों, अगर आप विजिटर हैं, विजिट वीजा में गए हैं, घूमने के पर्पज से गए हैं, जैसे लॉकडाउन खुलता है ठीक है, और 1 जनवरी के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, 1 जनवरी के बाद एक्सपायर हो गया 2020, 1 जनवरी के बाद, यानी 4 महीने के दौरान लॉकडाउन खुलने के बाद 14 दिन अगर आप इंडिया आ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है, 14 दिन के अगर बाद आप इंडिया नहीं आए टिकट लेके तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, मतलब आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, आपसे जुर्माना भी वसूल सकती है। ये ऑप्शन दिया है गवर्नमेंट ने। आगे मैं बता दूं कि वर्कर्स के लिए भी बोला है, चाहे आप वर्कर्स हो चाहे आप कंपनी में जॉब कर रहे हो चाहे आप डिपेंडेंट वीज़ा में हो, कोई भी वीज़ा आपके पास है और उसमें आपका जैसे 1 जनवरी के बाद में आपका वो वीज़ा एक्सपायर हो गया और आप इंडिया आना चाहते हो, वीज़ा एक्सपायर हो गया इंडिया आना चाहते हो, तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 14 दिन के बाद आपको इंडिया आपको अपनी कंट्री होम कंट्री आना है। अगर आप नहीं आओगे तो फिर 14 दिन के बाद मान लीजिए आपने 15 दिन 20 दिन और निकाल दिए तो आपको एम्बेसी से क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कारण बताओ नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मेरा ये रीज़न था, इस वजह से मैं नहीं आ सकता, और आते समय आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये न्यूज़ गवर्नमेंट ने दी है, 2 दिन पहले की न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो भाई थोड़ा ध्यान रख लीजिए। विजिट वीज़ा, वर्कर वीज़ा, इसके साथ में एक अटैच और कर दूं कि इसमें डायरेक्ट नहीं आ सकते, इसमें भी आपको स्पेशल पास लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने टांग अड़ा दी है कि जाते जाते भी 1,500 आरम दे के जाओ, हमें ऐसे नहीं जाने देंगे। स्पेशल पास का मतलब समझते हो ना कितना पैसा लगता है मलेशिया में, वो लेगी आपसे स्पेशल पास, ओरिजिनल आपको टिकट लेके इमिग्रेशन जाना, पूरा प्रोसेस करके फिर आपको आना है 14 दिन के अंदर। फिर अगर लेट हो गए तो भाई फिर आपको कारण बताओ नोटिस, फिर ब्लैकलिस्ट होके जुर्माना देके फिर आपको गवर्नमेंट आने देगी। तो थोड़ा सा इस बात पे आप गौर कर लीजिए। साथियों फ्लाइट की बात करें तो भाई मलेशिया से 2000 रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने मान्य किए थे, 2000 बंदों को निकालना है अभी 13 मई से पहले पहले। फ्लाइट्स की अभी कोई मेरे पास कोई सूचना है नहीं, कब आएगी कैसे आएगी, जैसे ही आती है मैं अपडेट करूंगा। 4 फ्लाइट मलेशिया के लिए बताई गई हैं, 4 फ्लाइटों में काफ़ी सारे बंदों को रिकवर गवर्नमेंट कर लेगी। जो इंपोर्टेंट्स हैं ऑनलाइन जो फॉर्म आपने भरे थे उसके हिसाब से जल्द ही नई अपडेट आपके लोगों के साथ शेयर कर दूंगा मैं, जैसे ही मेरे पास कोई अपडेट आती है। तो बस साथियों मलेशिया से रिलेटेड यही कोई इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, जैसे कोई नई अपडेट आएगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें, जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन तभी आ पाएगा जब आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखोगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।